ब्लॉक कांग्रेस ने फसलों को के उचित भाव, एमएसपी लागू करने, महंगाई में वृद्धि, खराब सड़कें, बिजली के बढ़ते बिल, महिला दुराचार और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के संबंध में राज्यपाल के नाम ज्ञापन एसडीएम अनिल कुमार जैन को दिया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सबल सिंह पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्ञापन के माध्यम से बताया कि खेती को लाभ का धंधा बनाने का दावा करने वाली भाजपा सरकार के राज्य में खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। एक तरफ खाद दवाई पर महंगाई की मार है तो दूसरी तरफ किसानों को फसलों के उचित दाम नहीं मिल रहे। सोयाबीन के भाव गत 12 वर्षों से स्थिर हैं, समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं हो रही। अन्य फसलों की भी यही हालत है। आर्थिक लागत और कम आय से किसान की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही। वहीं अन्य मुद्दों में बड़वा धानौद राजमार्ग एवं ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी अन्य सड़कों की खस्ता हालत की जानकारी देते हुए मरम्मत में हो रहे भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। साथ ही बिजली के बढ़ते बिल के मुद्दे पर उपभोक्ताओं को राहत दिलाने की मांग की। पटेल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर प्रदेश सरकार उदासीन है। कई मामलों में तो भाजपा नेता ही इस तरह के अपराधों में शामिल है। इससे समाज का ताना बाना टूट रहा है। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस ने राज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि सोयाबीन 6000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जाए, एमएसपी लागू की जाए, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार तुरंत बंद हों, बुरी तरह खराब हो चुकी सड़कों को तत्काल ठीक किया जाए। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस ने चेतावनी जारी कर उक्त मांगों पर कार्रवाई करने की मांग की और कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस द्वारा सड़क पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस ज्ञापन में यशवंत तंवर, रत्नदीप मोदे, प्रकाश पाटीदार, प्रवीण वर्मा, मोहनीश राठौर सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इसमें प्रदेश में जो हाहाकार हो रहा है, महंगाई के मारे दूसरे बढ़ते हुए बिजली बिल है, सड़कें खराब हो रही हैं, दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, किसान परेशान है, सोयाबीन है, कपास है, जो भी फसलें उनका उचित दाम नहीं मिल रहा, लागत भी नहीं निकल रही है, वो हर वर्ष कर्ज में दबते जा रहा है, उसकी हालत खराब से खराब होती जा रही है। इन सब चीज़ों के लिए और जहाँ तक है अजा वर्ग है, अजा वर्ग है, अल्पसंख्यक है, इन लोगों के ऊपर जो अत्याचार और भेदभावपूर्ण नीति हो रही है सरकार की, उन चीज़ों के खिलाफ एक ज्ञापन दिया गया और कांग्रेस पार्टी ने मांग करी इन चीज़ों को अगर सही से तुरंत सही नहीं किया तो और आगे जाके बड़े बड़े आंदोलन करेंगे, सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता उतरेंगे और सरकार को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराएंगे। महेश्वर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।